वेद की पावन धारा चल 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 चल। जीवन दायिनी मां नर्मदा की धारा को सदियों तक अविरल निर्मल बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण के महा उद्देश्य से 2 जुलाई 2017 को नर्मदा कछार के 24 जिलों में लाखों प्रदेशवासियों के सहयोग से 6.5 करोड़ से अधिक पौधों का रोपण किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने मां नर्मदा के उज्जवल भविष्य के लिए, मां नर्मदा की गारंटी के लिए सबसे प्रमुख काम हाथ में लिया है, वो है पेड़ लगाने का, वृक्षारोपण का। मैं शिवराज जी को, उनकी पूरी टीम को और मध्य प्रदेश की जनता को बधाई देता हूं। नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। तो शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने शनिवार को विधानसभा में वर्ष 2018 और 19 का बजट पेश किया। मुख्यमंत्री ने अब तक का सबसे बड़ा 83,179 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। सीएम रमन सिंह ने अपने तीसरे कार्यकाल के अंतिम बजट से सभी को राहत की सांस दी है। आपने बजट भाषण में मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कई बड़ी घोषणाएं भी की है। तो वहीं बजट को लेकर हमारे स्टेट हेड आर के गांधी जी ने मुख्यमंत्री से खास बातचीत की, सुनिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अपना बजट पेश कर दिया है। डॉक्टर रमन सिंह का यहाँ पर धन्यवाद करना चाहेंगे, जिन्होंने साधना न्यूज से बात करने के लिए हमें यहाँ पर परमिशन दिया। डॉक्टर साहब, साधना न्यूज में आपका स्वागत है। साथ ही मैं आपसे बात ये करना चाहूंगा कि जिस तरह से प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर, खासतौर पर फोकस इन दिनों कृषि क्षेत्र को लेकर है कि 2022 तक कृषि में आय को दुगना किया जाएगा, छत्तीसगढ़ का बजट कितना सहायक साबित होगा इसके लिए? छत्तीसगढ़ के बजट में सबसे बड़ी राशि यदि रखी गई है तो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में रखी है। और एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर की बात मैं करता हूँ तो वो चाहे किसानों के लिए बोनस की व्यवस्था हो, उनके लिए सिंचाई के संसाधन बढ़ाने की योजना हो, माइक्रो इरिगेशन में ज़्यादा धनराशि देने की जरूरत हो, उनके लिए डेयरी और पोल्ट्री में कैसे हम उसको जोड़ सकते हैं, नई तकनीक का उपयोग वो कैसे कर सकते हैं, तो एक प्रकार से ई मंडी और खरीदी की पुख्ता व्यवस्था, गोडाउन की व्यवस्था करने की बात इसमें की गई है। और मुझे इस बात की उम्मीद है कि जो प्रधानमंत्री जी ने किसानों के मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागत मूल्य से 1.5 गुना करने की बात कही है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार उसको आगे बढ़ाएगी। और हमने ना केवल बोनस दिया है बल्कि आरबीसी 6-4 में राशि, मदद राशि दे रहे हैं, और जहां सूखा पड़ा है वहां पे उनके लिए बोनस, आरबीसी 6-4 और तीनों मिला के किसानों को राहत देने का कोशिश की है। किसानों को जागरूक करने की जरूरत है क्योंकि किसान यहाँ पर एक ही फसल लेते हैं, और आपने जिस तरह से कवर्धा मुंगेली में कई शक्कर कारखाने खोले, फूड प्रोसेसिंग यूनिट को लेकर काफी कुछ करने की जरूरत है, और खासतौर पर किसानों को 2-3 फसल करने की यहाँ पे बहुत ही बेहद आवश्यकता समझ में आती है। बिल्कुल ठीक कहा कि अकेले धान की पैदावार करके किसान संपन्नता नहीं आ सकती, उसको एग्रीकल्चर के साथ, खेती के साथ, वो चाहे हॉर्टिकल्चर में जाए, चाहे डेयरी में जाए, पोल्ट्री में जाए, अन्य काम भी करे, तो और दलहन तिलहन को यदि विकास करे, दूसरे फसल की ओर जाए, तो निश्चित रूप से उसकी आमदनी को बेहतर किया जा सकता है। और सरकार इसमें उन्नत किस्म के बीज भी अवेलेबल करती है और उनके लिए बेहतर विपणन की व्यवस्था भी बनाएगी। आपके दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि सीताफल, अमरूद और पपीता काफी अच्छा देखने को मिल रहा है कांकेर के क्षेत्रों में। साथ ही आपसे बात करना चाहूंगा कि कृषि क्षेत्र में जो गिरावट है, जो विकास, जो आर्थिक सर्वेक्षण भी आया है, उसको किस तरह से बैलेंस किया जा सकता है? कृषि क्षेत्र में मात्र आज देख रहे हो आप कि 10,00,000 मेट्रिक टन धान कम खरीदा हुआ, तो अकाल की स्थिति से यह अस्थायी प्रभाव है कि इस बार थोड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा निगेटिव नहीं रहा, पॉजिटिव ग्रोथ है 2.6 का, तो निश्चित रूप से इसका असर है। पर इस साल यदि मानसून अच्छा होने की उम्मीद है तो और अच्छा हमारा ग्रोथ बढ़ेगा। टर्सरी सेक्टर में सबसे अधिक ग्रोथ है, टर्सरी में समानता ग्रोथ रहता ही है क्योंकि हमारा जो दोनों सेक्टर में जो हम काम कर रहे हैं, जो प्राइमरी और सेकेंडरी में, तो दोनों के ग्रोथ का असर ये होगा कि छत्तीसगढ़ का दूसरा क्षेत्र भी मजबूत। फिस्कल डेफिसिट की अगर बात की जाए तो इसको किस तरह से बैलेंस करने की कोशिश की? हमने हमेशा इस बात को बैलेंस करने का कि हम
जो FRBM एक्ट के समय सीमा के अंदर अपनी व्यवस्था को करें, ऋण भार हमारा कम हो, लोन हम जो चुकाते हैं, कर्ज जो हम लेते हैं वो भी हमारे FRBM एक्ट के नज़दीक रहे, और ये दोनों सीमा को जो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट है उसको भी हमने हिंदुस्तान में पहले नंबर में सबसे कम रखा है, और ऋण भार भी हमारा फिलहाल हम और ले सकते हैं क्योंकि हम एक्स्ट्रा बजटरी दूसरे योजनाओं से हम अलग अलग फंड भी लेते हैं। धन्यवाद डॉक्टर रमन सिंह जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और खासतौर पर अगर देखा जाए तो इस बजट को लेकर ट्विटर पर सबसे अधिक ट्रेंड किया जा रहा है, और ट्विटर में ये बजट काफी छाया रहा। कैमरामैन डीके सिन्हा के साथ आके गांधी, साधना न्यूज रायपुर। गांधी जी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से खास चर्चा की बजट को लेकर। तो आपको बता दें अपने बजट में मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सभी को राहत दी है। आपको बता दें कई तरह की घोषणाएं यहां पर मुख्यमंत्री रमन सिंह ने की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने शनिवार यानी कि आज विधानसभा में वर्ष 2018 और 19 का बजट पेश किया है। मुख्यमंत्री ने अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। सीएम रमन सिंह के अपने तीसरे कार्यकाल के अंतिम बजट से सभी को यहां पर राहत की सांस मिली है। अपने बजट भाषण में मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कई बड़ी घोषणाएं भी यहां पर की हैं। बजट की घोषणा करने के बाद बजट भाषण में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कई घोषणाएं यहां पर की। और इसी मुद्दे पर अधिक चर्चा के लिए रुख करते हैं रायपुर का, जहां हमारे स्टेट हेड आर के गांधी जी तमाम मेहमानों के साथ मौजूद हैं। जी गांधी जी, देखिए हमारे साथ में बेहद ही खास मेहमान, तीन खास मेहमान यहाँ पे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नरेश चंद्र गुप्ता जी हैं बीजेपी से, आर्थिक के मामलों के विशेषज्ञ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे अनिल द्विवेदी जी हमारे साथ में मौजूद है, और साथ ही यहाँ पे रमेश वरलियानी जी कांग्रेस से और आर्थिक मामलों के जानकार। तमाम मेहमानों का हम यहाँ पे अपने खास कार्यक्रम में स्वागत करना चाहेंगे। सबसे पहला सवाल नरेश चंद्र गुप्ता जी से, क्योंकि एक जो बजट है मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का, वो चुनावी साल में तीसरे कार्यकाल का आखिरी बजट, किस तरह से इस बजट को आप देखते हैं? ये बजट मूल रूप से विकास उन्मुख है, विकास पर आधारित बजट है। प्रदेश की आर्थिक गति और संपूर्ण विकास को आधार बनाकर यह बजट बनाया गया। इस बजट का मूल उद्देश्य समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति का विकास, मूल इस अवधारणा पर आधारित यह बजट है। यह बजट कोई मन भावन बजट नहीं है, कोई चुनाव को दृष्टि में रखकर नहीं बनाया गया बजट है। यह बजट मूल रूप से प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करते हुए विकास को गति प्रदान करने के लिए बनाया हुआ बजट है। आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने की बात आप देखें, किस तरह की स्थिति को सुदृढ़ होता दिख रहा है आपको इस बजट? देखिए इस बजट में मूल रूप से कृषि को थ्रस्ट किया गया है, कृषि और एजुकेशन को, कृषि एजुकेशन और हेल्थ। तो ये तीन सेक्टर कहीं पे भी थ्रस्ट किए जाएंगे, यहाँ पर जब काम किया जाएगा तो ये पैसे मार्केट की इकोनॉमी में आते हैं और उससे इकोनॉमी में ग्रो होता है, उससे इकोनॉमी ग्रो होता है, ये कहना है नरेश चंद्र गुप्ता जी का। अनिल द्विवेदी जी, आप बजट को पढ़ भी रहे, देख भी रहे, क्या मानते हैं, किस तरह का बजट है ये? नहीं, बिल्कुल बहुत जनकल्याणकारी बजट है, और मुझे लगता है कि चुनाव होने हैं अगले 6 महीने के बाद, और सरकार आम आदमी को नाराज नहीं करना चाहती है, तो जो सबसे बड़ी राहत मिली है वो ये राहत मिली है कि कोई टैक्स सरकार ने लागू नहीं किया है, वरना केंद्र ने तो इतने ज्यादा टैक्स लागू कर दिए थे कि हालत खराब है अभी। लेकिन स्टेट तमाम टैक्स का तो अब एक ही यहाँ पे उसको एकजुट कर दिया गया है, जीएसटी। तो टैक्स तो बहुत सारे टैक्स ऐसे ही खत्म हो गए। नहीं, केंद्र में अभी देखिए आप, जीएसटी लागू होने के बाद भी शिक्षा और स्वास्थ्य पर टैक्स अलग उन्होंने लागू किया कि नहीं किया, इसलिए कहीं ना कहीं केंद्र का ये दावा खारिज किया जाता है कि एक देश एक टैक्स। आपने तो ये वो बजट ने सारी पोल खोल दी, वल्यानी जी भी जानते इस बात को। लेकिन राज्य सरकार में डॉक्टर रमन सिंह ने अच्छी पहल की है, एक 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 समानांतर लाने की लागू की, कोई टैक्स उन्होंने नहीं लादा। अच्छी पहल है, कोई टैक्स उन्होंने नहीं लादा है, ये कहना है अनिल द्विवेदी जी का। रमेश वल्यानी जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए मैं बता दूं कि अब राज्य सरकारों के पास टैक्स लगाने के सारे प्रावधान खत्म हो गए हैं, क्योंकि सारे अधिकार हमने जीएसटी में सौंप दिए हैं। लेकिन रमन सरकार के पास एक वेट टैक्स में टैक्स कम करने की गुंजाइश थी, वो थी पेट्रोल और डीजल में, जिसको लेके पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें
आम आदमी की पहुंच के बाहर हो गई है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आधे रेट में डीजल पेट्रोल मिल रहा है, लेकिन उसका लाभ प्रदेश की जनता को, देश की जनता को इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि पहली डंडी मारते हैं मोदी जी, 9 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, 9 टाइम्स। उसके बाद आइए राज्य में, तो 25% यहाँ पर राज्य में वेट है पेट्रोल और डीजल पर, और शेष है 2 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल पर, 1 रुपया प्रति लीटर डीजल पर। हमें विश्वास था, क्योंकि इनके केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि हम तो एक्साइज ड्यूटी नहीं घटाएंगे, लेकिन राज्य सरकार को हम कहेंगे कि वो वेट घटा दे। राज्य से फिर कैसे ये ला पाएंगे, क्योंकि खर्च तो करना है राज्य सरकार को। राजस्व की बात अपनी जगह है, लेकिन आप एक आम आदमी पर कितना बोझ डालोगे? आप यहाँ हवाई यात्रियों के लिए ट्रक भाड़े बढ़ेंगे, अल्टीमेटली वस्तुओं पे दाम बढ़ेंगे, तो राहत देना भी जरूरी है, केवल राजस्व तो नहीं है। केंद्र को आप मजबूर करिए कि जो प्रोसेसिंग जो समझा गया पेट्रोलियम पदार्थों पे, वो यूपीए के सरकार से भी देखने को मिल रहा है, 48% के आसपास क्रूड ऑयल के बाद में जिस तरह से उसको कन्वर्ट किया जाता है, जो पूरी प्रोसेसिंग में जो आता है टैक्स का जो स्लैब है 48% के आसपास, तो सेंटर में ही इसका निर्धारण किया जाता है। ऐसा नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ये फैसला हुआ था कि हम पेट्रोलियम कंपनी को मुक्त करते हैं, वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार की दर के हिसाब से पेट्रोल डीजल की कीमतें तय कर सकती हैं। तो मनमोहन सिंह जी के राज में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत थी $110 से लेकर $130 तक, लेकिन 2013 के बाद जब मोदी जी की सरकार आई तब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो भाव गिरकर हो गए $47, और आज $47 से बढ़ते बढ़ते अभी हो गए $59। तो इसकी जो मूल्य की गिरावट का अंतर था उसका लाभ जनता को मिलना चाहिए था, लेकिन जनता को न देकर उन्होंने एक्साइज ड्यूटी के रूप में कन्वर्ट कर दिया। हमारा कहना यह है कि जब जनता पर बोझ बढ़ता है तो एक्साइज ड्यूटी कम होनी चाहिए। तो सेंटर को फैसला करना है इसमें, सेंटर को भी करना है, राज्य को भी करना है। नरेश चंद गुप्ता जी समझ लेते हैं, जो तमाम यहाँ पे यक्ष प्रश्न है वरलियानी जी उठा रहे थे, किस तरह से आप इन तमाम प्रश्नों को देखते हैं, क्योंकि जनता के हित की बात तो वो भी करते हैं, बीजेपी भी जनता के हित की बात करती है। देखिए वल्यानी जी को मूल रूप से ग्रीवेंस है एविएशन फ्यूल को लेकर। एविएशन फ्यूल में जो बेनिफिट दे रही है सरकार एविएशन वाले के लोगों को, उस पर मुश्किल से 4 से 5 करोड़ रुपए के आसपास का उनको बेनिफिट है, और 5 करोड़ की बेनिफिट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। यदि वो बोलते हैं कि उसको 21-25% कर दो और इसको 2% कम कर दो, तो कितना बड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर में या दूसरे सेक्टर में हमको कितना बड़ा बजट कम करना पड़ेगा, इस बात की वो कल्पना नहीं करते। उसको परसेंटेज के बजाय आप मॉनिटरिंग लिमिट से उसको असिस्ट करिए। यदि हमने वहाँ पे सिविल एविएशन को यदि हम 4% या 5% टैक्स ले रहे हैं, तो उसको हमारे राजस्व में यदि उसको 20% लेंगे तो 4 से 5 करोड़ का फर्क है, तो ये बहुत नेग्लिजिबल फिगर होता है, इसलिए बहुत फर्क नहीं है इन चीजों का। वो एक सो कॉल्ड उनको सिंबॉलिक दिया जा रहा है कि उससे कुछ यहाँ पे एविएशन की बेनिफिट्स मिल जा रही है। एक लंबी एक चर्चा का विषय है क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स को लेकर, लेकिन हम स्टेट की बजट की बात कर रहे हैं। स्टेट में जिस तरह से अधोसंरचना को लेकर, शिक्षा को लेकर, कृषि को लेकर जिस तरह से जो बात कही गई, आपको लगता है कि जो तमाम यहाँ पे लोगों की उम्मीद थी वो उम्मीद पूरी होती नजर आ रही है? देखिए मैं आम जनता की उम्मीद तो बहुत कुछ पूरी की गई है, उम्मीद तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन सरकार ने प्रयास किया है कि आम जनता की उम्मीद को पूरा किया जाए। हाँ, विपक्ष के दलों के उम्मीद पे सरकार डेफिनेटली नहीं खरी उतरी है, क्योंकि उनको लग रहा है कि सरकार ये पॉजिटिव गेन करने वाली है, ये इलेक्शन ईयर और सरकार ने इतना अच्छा बजट डाल दिया है जो इसको ये पॉपुलिस्ट बजट भी नहीं बोल सकते हैं, तो और ये इकोनॉमी को ग्रो करने वाला बजट है। तो कांग्रेस को और विपक्षी दल को ये लग रहा है कि ये तो हमारे लिए बहुत भारी बजट हो गया है, तो वो उनके लिए थोड़ा सा तकलीफदायक बजट है, लेकिन आम जनता के लिए बहुत राहत का और इकोनॉमी को ग्रो करने वाला। आम जनता के लिए राहत वाला ये बजट है, लेकिन विपक्ष के लिए तकलीफ दे वाला ये बजट है, ये ऐसा कहना है नरेश चंद गुप्ता जी का? वरलियानी जी कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए विपक्ष के लिए तो ये बजट बड़ा अच्छा है, क्योंकि हमको ये लगा था कि कोई नया ब्रह्मास्त्र लाने वाले रमन सिंह जी, लेकिन ब्रह्मास्त्र तो कुछ आया नहीं इस वजह, मतलब हमको ऐसा लगा कि रमन सिंह जी ये भी मान चुके हैं कि उनकी चराचली की बेला है। समझा जाए क्योंकि मितानिन का मानदेय बढ़ाना, सरपंचों का मानदेय बढ़ा देना, तो इन्होंने बल्क में 60-70% जो समाज का जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनका, तो उन्होंने मानदेय बढ़ा दिया। देखिए मानदेय बढ़ाने की मांग तो लंबे अरसे थी,
आप लगातार उनको टालते रहे, तो आज चुनावी वर्ष में जब आप मानदेय बढ़ा रहे हैं तो उनको तो मैसेज यही गया ना, ले चुनाव आए तब बढ़ाई से, तो इससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। और फिर कितना बढ़ाया, उनकी अपेक्षाओं को उनको तो बढ़ाया नहीं है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे साथी कहते हैं कि आर्थिक सुदृढ़ीकरण की ओर जा रहे हैं, अरे 45,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबे हुए हैं, राजस्व के कोई संसाधन है ही नहीं आपके पास। कहा जाता है कि घाटे का बजट अच्छा का बजट होता है, फिस्कल डेफिसिट की जो बात कही जा रही है। देखिए अब प्रदेश की स्थिति ऐसी हो गई है कि जीएसटी का जो रेवेन्यू आना था उसमें भी लगातार गिरावट आ रही है, जीएसटी से कोई बहुत अच्छा उम्मीद नहीं है जो इनको अपेक्षा थी। दूसरा 14% तो सेंट्रल भर देगा, लेकिन हमारा इनकम जो है 14% से ऊपर है, 1-2% वो लॉस हमको अलग हो रहा है, हमारे पास आय के स्रोत दूसरे है नहीं। प्रदेश में सूखा पड़ा हुआ है, 96 तहसीलों में सूखा है। हमको उम्मीद थी कि रमन सरकार किसानों के हित में वो सूखाग्रस्त किसानों के ऋण को माफ कर देगी, वहां मनरेगा के ज्यादा काम खोल देगी। मनरेगा में लास्ट ईयर का बजट था 2,196 करोड़ रुपए का, और इस साल का बजट जो है 1,421 करोड़ का, और कम कर दिए, जबकि आज ज्यादा जरूरत थी। किसानों को उम्मीद थी कि उनको 2100 रुपये का जो इन्होंने घोषणा किया था खरीदी मूल्य लेंगे पर क्विंटल, मनरेगा में तो काम यहाँ पे मिल भी रहा है, लेकिन कुछ उसमें जो व्यवधान है, जो तकनीकी दिक्कतें हैं वो भी निकल के सामने आ रही है, क्योंकि जमीनी स्तर पर ठीक है बजट तो आ जाता है लेकिन जमीनी स्तर पर उसको उतारने की कोशिश होती है। अनिल जी देखिए, वल्लयानी जी जो कह रहे थे मनरेगा वाली बात उठा रहे थे, उसमें एक बहुत छोटा पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, अच्छी बात है क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह ने मेरे ख्याल से रोजगार पर बहुत अच्छा फोकस किया है, तो ग्राम पंचायतों में जो रोजगार सहायक है उनकी सैलरी अभी 4,500 के आसपास होती थी, डॉक्टर रमन सिंह ने घोषणा की कि अब वो 6,000 कर दी जाएगी, जितनी जल्दी होगी उतना जल्दी सरकार को फायदा होगा। मनरेगा तक सीमित नहीं रखा गया है। मैं और बताऊं आपको, शिक्षा कर्मियों का जो मामला है, हालांकि अभी तक सरकार ने उस पर कुछ कहा नहीं है, कमेटी गठित हुई है, उस कमेटी फैसला, मुझे लगता है चुनाव आते तक शिक्षा कर्मियों को एक बहुत बड़ी राहत सरकार देने वाली है। तो ये जो युवा है, इस युवा वोट बैंक को सरकार ने ध्यान में रखा है। मोबाइल बांटने का जो मामला है मुझे लगता है वो बहुत तेजी से शुरू कर रही है सरकार, ताकि जो लाखों युवा है वो अट्रैक्ट होंगे बीजेपी की तरफ। पूरा एक वोट बैंक को प्रभाव में ध्यान में रखते हुए सारी योजनाएं लागू की गई हैं। आप कृषि देख लीजिए, स्वास्थ्य देख लीजिए, बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं लेकर के सरकार आई है, क्योंकि किसानों का वोट बैंक बहुत मस्त है, 75% किसान वोट बैंक है, तो सरकार उसमें सेंध लगाएगी। युवाओं के वोट बैंक पर आप देखिए, रोजगार सहायकों का वेतन बढ़ाना, शिक्षा कर्मियों के वेतन बढ़ाने के संकेत देना, या फिर मोबाइल बांटना युवाओं को, तो युवा भी बीजेपी एक बहुत बड़ा वोट बैंक अपने पीछे खींच के रखना चाहती है। तो पूरा फोकस इस बार कहीं ना कहीं इस पर है। और तीसरी बात जो गुप्ता जी ने कही कि जो स्वास्थ्य है वो आम जनता से जुड़ा मैटर है, पत्रकारों तक को 30,000 की स्वास्थ्य सेवा रमन अतिरिक्त जोड़ा है उसमें रमन सरकार ने, तो मीडिया को भी कहीं ना कहीं खुश करने की कोशिश हुई है। जैसे जी नरेश गुप्ता जी, मनरेगा का एक प्रश्न आप उठा था, वल्लयानी जी मनरेगा की बात कर रहे थे, लेकिन ग्राम सहायकों के मानदेय बढ़ाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि एक बैलेंस करने की कोशिश की गई है? देखिए बैलेंस तो देखिए, आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसका बेस्ट ऑप्शन बेहतर तरीके से उपयोग करना ही बजट है। आपके पास जो रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना, रिसोर्सेज तो आप घटा नहीं सकते, बढ़ा नहीं सकते हो, और रिसोर्सेज बढ़ाने की भी एक लिमिटेशन है, तो जो आवक है उसी में से आवक होनी है, ये तो बहुत क्लियर बात है। तो देखिए ये सबसे बड़ी चीज, राजकोषीय घाटे की बात कर रहे थे, राजकोषीय घाटा जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार पे जो प्रचलित स्वरूप है वो सकल घरेलू आय का 3.5 से 4% होना चाहिए, और छत्तीसगढ़ में राजकोषीय घाटा जो है वो 2.96% है, तो हम बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है। राजकोषीय घाटा हमारे लिए एडवर्स नहीं है। और देखिए अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र में सरकार ने सकल बजट का 34% हिस्सा खर्चा करने का प्लान आउट किया है, 34% हिस्सा, तो सरकार किस थ्रस्ट एरिया में काम कर रही है बहुत क्लियर है। सरकार चाहती है कि इस प्रदेश के गरीब आदिवासी क्षेत्र में हम मेजर रूप से काम करें, उनका विकास करें, ताकि प्रदेश के पूरे विकास में उनका भी सहयोग हो और वो भी विकसित दिखें, ये हमारी मूल अवधारणा है। इसी प्रकार से अनुसूचित क्षेत्र के लिए भी 12% हमने किया हुआ, तो ये जो प्रॉपर एलोकेशन है कि जितनी आबादी है, जितना बड़ा क्षेत्र है, उसके हिसाब से हम कैसे एलोकेट करके ले चले, ये सरकार की मूल अवधारणा है। हम ये चाहते हैं कि भाई इस प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिले, और रोजगार मिले मतलब सिर्फ एम्प्लॉय, रोजगार का मतलब एम्प्लॉयमेंट। बजट में किस तरह से दिख रहा है, आप तो आंकड़ों की बात कर रहे हैं, बजट में आपको किस तरह से दिख रहा है, किस तरह से रोजगार यहाँ पे बनता नजर आ रहा है? देखिए आप पिछले 4-6 पिछले 8 सालों से देखेंगे,
कुशल यूनियन का काम यहाँ बहुत तेजी से चल रहा है। 2008 के आसपास से इन्होंने जो किट बांटना शुरू किया था हमने सरकार ने, उस प्रोजेक्ट का एक मूल अवधारणा थी। उस समय हमने लेबरर्स का अपग्रेडेशन उस समय से कर रही है ये सरकार, तो उसी को काम करते हुए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मतलब नौकरी नहीं है, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है। जो लेबरर था वो स्किल्ड लेबर हुआ, सेमी स्किल्ड हुआ, स्किल्ड हुआ, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इसी फैक्टर में सरकार ने काम करती रही है और कितने सारे लोगों को हमने ट्रेनिंग देकर लेबर से हमने राजमिस्त्री बनाए, राजमिस्त्री से। आप कौशल विकास की बात कर रहे हो, उस कौशल विकास को लेकर जहाँ श्री रतन शर्मा जी पकौड़ा बनाने को भी उसको शामिल करने की बात कर रहे थे, जॉब अपॉर्चुनिटी कितना मानते कि इससे जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मार्केट में उत्पन्न हो? देखिए 50 लाख नौजवान छत्तीसगढ़ में बेरोजगार घूम रहे हैं, 2.5 करोड़ की जनसंख्या है उसमें 50 लाख बेरोजगार, संगठित और असंगठित क्षेत्र दोनों का मिला के बात कर रहा हूँ, जो इनके 22 लाख तो इसी में दर्ज है जो इनके रोजगार दफ्तरों में। अब इसके लिए स्टार्टअप योजना, स्टैंड अप योजना मोदी जी बहुत बात करते हैं, इस बजट में स्टार्टअप योजना में केवल 5 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 5 करोड़ का मतलब ये हुआ एक बेरोजगार के पीछे 10 रुपया, ये नए रोजगार सृजन होंगे। अब वो बोलेंगे पकौड़ा बना लो भैया, तो सवाल यह कि जब तक आप यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार नहीं देंगे और एक मोबाइल का झुंझुना पकड़ा के आप सोचते हैं कि आप उनको अपने हक में कर लेंगे, युवा में जो आक्रोश है वो 2018 के चुनाव में दिख जाएगा, चुनाव में दिखेगा, लेकिन हम बजट की बात कर ले, क्योंकि क्योंकि रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य, शिक्षा स्वास्थ्य में देखिए, स्वास्थ्य में अगर बात की जाए तो मुफ्त यहाँ पे जांच का प्रावधान रखा गया है कि अस्पतालों में मुफ्त जांच किए जाएंगे। देखिए स्वास्थ्य की स्थिति ऐसी है, आप दे रहे हो मेरे को 30,000 के ऊपर 50,000 कर दिया आपने स्मार्ट कार्ड में। मेरा कहना है कि स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलना चाहिए तो सरकारी अस्पतालों को सुदृढ़ करिए ना, ये स्मार्ट कार्ड के खेल में तो निजी नर्सिंग होम बना रहे हैं। यहाँ तो फ्री जांच की बात की, फ्री मुफ्त में जांच आप करवा सकते हैं अस्पताल। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, अस्पताल में भवन बनाइए, पैरामेडिकल स्टाफ दीजिए, डॉक्टर दीजिए, दवाई दीजिए, साधन दीजिए। आप स्मार्ट कार्ड पकड़ा दिए तो जो काम 100 रुपए का है उसका तो 1,000 रुपए नर्सिंग होम वाले लूट लेते हैं, तो ये निजी नर्सिंग होम को मदद करा रहे हैं। आप ये मान के चलते सरकार की मंशा तो अच्छी है, वो कम से अवेलेबल तो करा रही है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में तो पूरे नियत भी तो साफ होना चाहिए। आपका वो लक्ष्य क्या है? जनता ने आपको इसलिए बैठाला है कि वो जन सुविधाएं सरकार अपने बूते पे उपलब्ध कराए, न कि गेंद दूसरे के पाले में भेज दीजिए। 5 लाख का कवर देंगे मोदी जी, तो 5 लाख के कवर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है? तो इसमें भी क्या है, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग नर्सिंग सेक्टर में आके लूट मचाएंगे, तो ये दूर दृष्टि होने की जरूरत है। कि जगदलपुर में भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया, कोंडा गांव में खड़ा कर दिया गया, लेकिन वहां पे एक डॉक्टर का यक्ष प्रश्न तो रहता है, और इस बीच में बजट में जो मुफ्त में जांच कराने की बात यहां पर रखी गई है, आपको नहीं लगता कि एक दूरगामी सोच है? देखिए पहल तो आपने 50,000 अब आप कार्ड में दे रहे हैं इलाज करने के लिए, ये प्रस्ताव है, अभी तक तो उसको बढ़ा ही नहीं है राशि, तो ये एक अच्छे संकेत है कि स्वास्थ्य को लेकर के डॉक्टर रमन सिंह की सरकार बहुत गंभीर है। लेकिन जैसा कि मैं जो चीज अभी देख रहा था, बल्यानी जी बता रहे थे इस बात को कि जो स्वास्थ्य कार्ड है इसको लेकर के वाकई में नर्सिंग होम्स में जो लूट हो रही है, नर्सिंग होम जिस तरह से उसमें से अपना कमीशन की बात हुई है, कई सारे मामले सामने आए, इस पर सरकार को फोकस करना चाहिए कि इसका सही उपयोग हो, दुरुपयोग भी हो रहा है उन कार्डों का, उसको रोकना होगा। लेकिन अभी जो स्टाफ नर्स की बात है, जैसे बता रहे थे स्टाफ नर्स की काफी कमी महाविद्यालय, अभी रायपुर के जो मेका आ रहा है यहाँ पर स्टाफ नर्स देने के लिए इसलिए पद स्वीकृत हो गई है, वही मैं बता रहा था कि स्टाफ नर्स के पद स्वीकृत किए हैं, उसके लिए कुछ अतिरिक्त 1 करोड़ रुपए की राशि भी बनाई। इसी तरह जो थाने हैं, पुलिस थानों को डेवलप करने के लिए भी सरकार को, राज्य सरकार को कोई प्रबंध करने चाहिए थे, क्योंकि अपराध एक बहुत बड़ा मुद्दा होता जा रहा है इस सरकार में। अभी देखिए आप लगातार अपराध जिलों में बढ़ रहे हैं, तो पुलिस को उसका उन्नयन करने के लिए पुलिस का, या थानों को अच्छे स्मार्ट थाने बनाने के लिए, इस पर सरकार को कहीं ना कहीं फोकस करना चाहिए था, जिसकी मुझे थोड़ा कमी लग रही है, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो आपको अपराध रोकने में मदद प्रावधान ये भी है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए करीब 250 करोड़ का प्रावधान राज्य के बजट में रखा गया है, 238 करोड़ रुपए का बजट वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए है। वो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए है कि वहाँ पे जो हमारे जवान जा रहे हैं
और जो कुछ चीजें और रुक गई हैं वहां पे डेवलपमेंट को नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर में नक्सली मूवमेंट के ऑपरेशंस के लिए, तो उनके लिए एक सुविधा प्रदान करना, परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें ताकि वो जब नक्सलियों से मुठभेड़ के लिए या और दूसरी चीज वो जनता को सुरक्षा प्रदान करना चाहता है तो उनके लिए एक प्रॉपर व्यवस्था हो सके, उसके लिए ये अरेंजमेंट किया गया है। देखिए इस बजट में एक बहुत बड़ी बात है, कोटवारों का मानदेय बढ़ाया गया, पटेलों का मानदेय बढ़ाया गया, जो समाज का अंतिम व्यक्ति होता है जिसके ऊपर कई सारे अहम जिम्मेदारी होती है जिनको। देखिए सबसे बहुत कोटवार, पटेल, मितानिन, आंगनबाड़ी सहायिकाएं, आंगनबाड़ी केंद्र की संचालिकाएं, इनका मानदेय सरकार ने बढ़ाया है। तो ये बहुत सरकार ने बहुत सोच समझ कर मानदेय बढ़ाया है। जी का ये कहना है कि तो ये लंबी समय से ये मामला लंबित था। नहीं, लंबे समय से था और लंबे समय से बहुत कुछ दिया जा रहा था। और शिक्षा कर्मियों का बात है, शिक्षा कर्मियों के संबंध में मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में ही कहा है कि शिक्षा कर्मियों के लिए अलग से जो आयोग है, जो समिति बनी है, उसका निर्णय आते ही हम उसको लागू करेंगे, उसके लिए बजट में प्रावधान है, लेकिन उसके लिए स्पेशल प्रावधान हम करेंगे। ये उन्होंने बजट के भाषण में ये घोषणा भी की है। आपको बता दूं मुख्यमंत्री, आज तो काफी उम्मीद थी शिक्षा कर्मियों को, उसके लिए एक समिति गठित की गई है। समिति गठित की गई है क्योंकि अभी हम टर्सरी सेक्टर पर चर्चा कर रहे थे। टर्सरी सेक्टर में अगर ग्रोथ की बात की जाए तो काफी अधिक है ग्रोथ वर्लियानी जी, टर्सरी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, क्योंकि आप प्राइमरी सेक्टर देख लीजिए, सेकेंडरी सेक्टर देख लीजिए, लेकिन टर्सरी सेक्टर का जो ग्रोथ आया है आर्थिक सर्वेक्षण में भी और इसमें भी जिस तरह से बजट में दर्शाया गया है वो काफी कुछ है। तो आपको नहीं लगता कि इस सेक्टर को काफी कुछ छूने की कोशिश की गई इस बजट में? नहीं, उसमें भी कोई बहुत ज्यादा विशेष ग्रोथ क्यों दिख रहा है उस सेक्टर? कहां ज्यादा ग्रोथ दिख रहा है? 45% के आसपास उस सेक्टर को रखा गया। नहीं देखिए, सर्विसेज में जो ग्रोथ आपको दिख रहा है ना, जीएसटी के रेट पहले 10 थे, फिर 12 हुए, अब हो गए 18 और 28, तो उस कारण आपको दिख रहा है। लेकिन जिस ढंग से मंदी हर क्षेत्र में आई है वैसी इस इलाके में भी आई है, तो बहुत ज्यादा इससे आप उम्मीद नहीं कर सकते। हमने टर्सरी सेक्टर की बात की, सेकेंडरी सेक्टर में क्या मानकर चलते हैं? सेकेंडरी सेक्टर में क्या आपको ग्रोथ दिखता है और किस तरह से बजट में प्रावधान है? देखिए छत्तीसगढ़ में उद्योग धंधों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है ये आप मान के चलिए, क्योंकि कॉस्टिंग के मामले में यहाँ बिजली की दरें बहुत ज्यादा हैं। इसके कारण उद्योगों को जो कंपटीशन में टिकने के लिए जो संभावना है वो खत्म हो गई है, इसलिए आप देख रहे हैं कि कई उद्योग दम तोड़ रहे हैं, नया निवेश इसीलिए नहीं आ पा रहा है। क्यों नया निवेश की बात हुई, उद्योग की बात हुई, यहाँ पे द्विवेदी जी। बिल्कुल, वरलानी जी की चिंता वाजिब है। और ये देखिए बहुत बड़ा मामला हुआ कि छत्तीसगढ़ में टाटा स्टील जैसा उद्योग 10 साल में उद्योग यहाँ पर स्थापित नहीं हो, मौजूदा समय की बात करते हैं एग्जांपल है। नहीं बजट नहीं, तो बलियानी जी की चिंता को गंभीरता से आप सीरियसली मत लेंगे, चिंता और गंभीरता एक इससे सेकेंडरी सेक्टर में। हाँ दो बातें और कह दूं कि देखिए सरकार ने मातृ शक्तियों के लिए भी अच्छे फैसले किए हैं। अभी देखिए आंगनबाड़ी, देखिए बहुत अच्छा फैसला ये हुआ है कि आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता सहायिकाएं हैं वो जब रिटायर होंगी तो सरकार उनको 25,000 से लेकर 50,000 रुपए की राशि अतिरिक्त देगी, ये इसमें घोषणा हुई है। दूसरी अच्छी अच्छी घोषणा यहाँ कह लूं कि इस सबसे बड़ा जो सरकार ने फैसला किया वो स्कूल शिक्षा विभाग में 12,000 करोड़ रुपए दिए हैं स्कूल शिक्षा विभाग को। तो सोचिए सरकार का जो विजन है स्कूल शिक्षा को डेवलप करने के लिए वो वाकई बहुत अच्छा, वाकई बहुत अच्छा है स्कूल शिक्षा को लेकर। लेकिन एक चिंता का जो विषय यहाँ पे वरलियानी जी उठा रहे थे, सेकेंडरी सेक्टर उद्योग धंधों को लेकर, देखिए सरकार ने अब कोर सेक्टर में इंडस्ट्रीज को यहाँ पे डिस्करेज करना प्रारंभ कर दिया है। अब कोर सेक्टर में कोई नई इंडस्ट्री नहीं लगेगी, सरकार ने पॉलिसी डिसाइड कर ली है, तो वो तो सेक्टर में आएंगी नहीं इंडस्ट्रीज, क्योंकि अब यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हो चुका है, अब कोर सेक्टर में इंडस्ट्रीज नहीं लगेगी, ये सरकार ने बहुत अच्छे से। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, प्राइमरी सेक्टर को लेकर, क्योंकि समय कमी है, दो अगर वाक्यों में समझने की कोशिश करें प्राइमरी सेक्टर को इस बजट में। देखिए इस बजट में तो मूल रूप से ये बजट, मूल अवधारणा इस बजट की है कृषि का डेवलपमेंट है, इस कृषि और स्कूल एजुकेशन का डेवलपमेंट इस मूल बजट, और हेल्थ, ये तीन चीजें इस बजट की मूल अवधारणा है। मूल अवधारणा कृषि हेल्थ। हाँ नहीं देखिए, मैं जो यहाँ से बात, अंतिम बात जो कहना चाहूंगा वो ये है कि देखिए प्रति व्यक्ति आज 92,000 रुपए हो गए आर्थिक सुरक्षा में जब। हाँ बिल्कुल, तो ये निश्चित तौर पर ये बताया था कि राज्य की जो आर्थिक स्थिति है डेवलपमेंट हो, और निश्चित तौर पर इसके लिए सरकार की पॉलिसी और कहीं ना कहीं इसमें जो प्रति व्यक्ति आया है उसमें काफी इजाफा हुआ है। ये प्रति व्यक्ति आया कोई पैरामीटर नहीं होता विकास का, मैं आपको बता दूं। प्राइमरी सेक्टर में बात कर लेते हैं, इसलिए कि प्रति व्यक्ति आय के भी आप देख रहे हैं तो बीपीएल परिवार की संख्या कम होनी चाहिए। 2003 में प्रति व्यक्ति आई थी 15,500,
तो 17 लाख बीपीएल की कमी वरलानी जी समय कमी है, तो इसलिए प्राइमरी सेक्टर को भी फोकस कर लेगी। प्राइमरी सेक्टर किस सेक्टर को उनको विशेष फोकस करना चाहिए था। एग्रीकल्चर सेक्टर तभी मजबूत होता जब आप 2100 रुपया उनको समर्थन मूल्य धान खरीद दे तो रहे समर्थन दे रहे हैं, डेढ़ गुना घोषणा कर रहे हैं, दे नहीं रहे। 2100 रुपया का कमिटमेंट है उसको पूरा करें और 30 रुपए बोनस का पूरा करें और 2 साल का जो बोनस उन्होंने नहीं दिया उसको पूरा करें, तब प्राइमरी सेक्टर मजबूत होगा। समर्थन मूल्य की बात है लेकिन उसका तो इसमें है, इसमें जिक्र था कि देखिए समर्थन मूल्य दे रही है सरकार, 1 साल का 5 सालों में 1 साल का समर्थन मूल्य नहीं आ रहा, लेकिन उस साल में सरकार ने 45,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा कृषि क्षेत्र में 4500 करोड़ रुपया से ऊपर इस कृषि क्षेत्र में खर्च एडिशनल खर्चा किया था। तो ये सारी परिस्थितियां हैं। उसके बाद 5 साल में से हम 4 साल बोनस दे रहे हैं और केंद्र सरकार ने 1.5 गुना लागत का 1.5 गुना काश देने की घोषणा कर चुकी है। केंद्र सरकार ने एमएसपी की घोषणा की है और इसमें अगर फॉरेस्ट प्रोडक्ट को भी देखा जाए तो उसके लिए भी आज यहाँ पे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने घोषणा की। हाँ जी, मैं बता रहा हूँ ना, आप तोड़ के मत किसी चीज को बात करिए, आप पूरी सरकार को केंद्र और राज्य सरकार की बजट को एक साथ समावेशित करके देखें तो समझ में आएगा कि बजट 2022 तक किसानों की जो आय है दोगुनी हो सकती है। बिल्कुल, बहुत बड़ा योगदान छत्तीसगढ़ का बजट का हो सकता है। बिल्कुल, सरकार उसी लाइन पे इस पूरे बजट को उसी लाइन पे तैयार करी हुई है। ये दूसरा 2022 तक जो केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है उस पे बजट को किसानों की आय को डबल करने का ही ये बहुत बड़ा प्रयास इस बजट पे भी किया। प्रयास है कई सेक्टर में। तमाम मेहमानों का हम यहाँ पे धन्यवाद करना चाहेंगे, रमेश वरलयानी जी का, अनिल द्विवेदी जी का और नरेश चंद गुप्ता जी का, की तीनों मेहमानों ने बजट पे तमाम बिंदुओं पर यहाँ पे खास चर्चा की। बैक टू स्टूडियो।